बिलासपुर के बरमाणा में स्थित एसीसी अडानी डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम विषय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार एवं राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी एवं कलाकार विजय कुमार ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल सुनील गांगटा ने बताया कि इस कार्यशाला में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल व पंजाब राज्य के शारीरिक शिक्षा शिक्षक शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को लेकर मंथन करेंगे तथा नई तकनीक से रूबरू होंगे। प्रिंसिपल सुनील गांगटा द्वारा मुख्यातिथि विजय कुमार को विभिन्न उपहार देकर सम्मानित किया। बिलासपुर के बरमाणा में आज एसीसी अडानी डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 3 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का शुभारम्भ हुआ, जिसमें प्रिंसिपल श्री सुनील गांगटा जी द्वारा मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी कश्मीर ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस कार्यशाला में देश भर के अधिकांश राज्यों से फिजिकल एजुकेशन टीचर आए हुए हैं, जो यहां पर फिजिकल क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों और बच्चों के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए आगे क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं, इस पर 3 दिनों तक वे मंथन करेंगे। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग, चाहे वो मेडिकल हो, एजुकेशन हो या अन्य किसी भी क्षेत्रों के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वे भी आकर अपने स्रोत व्यक्ति के माध्यम से यहाँ पर अपना गेस्ट लेक्चर देंगे। अडानी फाउंडेशन के अंडर जितने भी स्कूल्स आते हैं उनके लिए वार्षिक कार्यशालाएं करवाई जाती हैं टीचर्स के लिए उनके स्कूलों में, तो मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि शारीरिक शिक्षा की जो कार्यशाला 3 दिन की निश्चित हुई थी वो इस बार बरमाणा को सौंपी गई थी, डीएवी बरमाणा को, और हमने इसे तहे दिल से स्वीकारा भी। इसका आगाज आज ही सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें विजय कुमार जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं ज़िला बिलासपुर के, उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उनके साथ कश्मीर सिंह जी आए जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इस 3 दिन की कार्यशाला में विभिन्न रिसोर्स पर्सन्स को बुलाया गया है जो अलग अलग विषयों को छुएंगे और एम्पावर करके, सशक्तिकरण करके इन अध्यापकों को वापस भेजा जाएगा, ताकि जो भी यहाँ पर विधियाँ विधान अपने विषय से के अनुरूप ये सीख के जाएँ, जाकर उन्हें अपनी कक्षाओं की चार दीवारी के बीच ले जाकर अपने बच्चों से साझा करें और उनको बेटर ह्यूमन बींग्स बनने के लिए और अच्छे नागरिक बनने के लिए सहायता दें। धन्यवाद।